स्वागत है आपका फ्री कोड चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसा सोर्स कोड देने वाला हूं जिसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चलिए इसे हम एमुलेटर में देख लेते हैं कि आपको यह ऐप दिखेगी कैसे, इसका यूआई कैसा है चेक कर लेते हैं, और जिसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये आपके ऐप मिल जाएगी म्यूजिक एडिटर, जिसे आप कोई भी म्यूजिक को एडिट कर सकते हैं और कोई सी वॉइस को भी एडिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऐप है, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा, मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा, और भी अदर ऑप्शन मिल जाएंगे अदर प्लेटफॉर्म के भी। और यहाँ पे आप नीचे आप चेक भी कर सकते हैं, मोर डिटेल मोर ऑप्शन भी है इसके अंदर जो आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शनों को क्लिक करके एक बार आपको चेकआउट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको हम ओपन करते रहेंगे और चेक कर लेंगे। ये एमुलेटर है, इसके अंदर आपको कोई भी अभी सॉन्ग या म्यूजिक कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए खाली है। जैसे कि आप चेक भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डिटेल आपको शो नहीं हो रही होगी। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ से आप वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्रेस भी कर सकते हैं वॉइस को, और भी बहुत सारी डिटेल। जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी आप ट्रिम करेंगे और मॉडिफाई करेंगे कुछ भी करेंगे, यहाँ पे आपकी वो फाइल आती जाएंगी, जिसके आप चेक कर सकते हैं। अभी हम पे कोई भी हमने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे हम एडिट कर सकें। चलिए हम एक बार मोर पे और क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको और अदर प्लेटफॉर्म के भी ऑप्शन मिल चुके हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं, और इसे प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसके आप देख सकते हैं। और चलिए आपको मैं बताता हूँ आपको सोर्स कोड मिलेगा कैसे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होते अभी तक मैंने जितने भी फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करें वो आपको सारे मिल जाएंगे, आपको सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते आपको जितने भी अभी तक मैंने फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करें वो आपको सारे मिल जाएंगे, जो कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, पासवर्ड आपको वीडियो के अंदर मिलेगा। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा, पासवर्ड सिर्फ एक सेकंड के लिए आता है वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो कंप्लीट देखें। चलिए इन सबको हम अब सबको क्लोज कर देते हैं और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो पे मैंने पहले से ही सोर्स कोड को इंप्लीमेंट कर रखा है, इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही इंप्लीमेंट कर लिया सोर्स कोड को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सोर्स कोड पहले से इंप्लीमेंट है। और चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे अपना पैकेज नेम को हम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको ऐप पे आ जाना होगा, ध्यान रखना होगा सबसे पहले आपको ऐप पे आ जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनिफेस्टो का ऑप्शन है, मैनिफेस्टो पे क्लिक कर देंगे और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पैकेज नेम शो हो जाएगा जिसे हमें चेंज करना होगा। तो चेंज कैसे करेंगे चलिए आपको हम ये भी बता देते हैं। सबसे ऊपर देख सकते हैं हमने हाईलाइट भी कर दिया है जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए ये हमारा पैकेज नेम है जिसे हमें चेंज करना होगा। चलिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि आपको पैकेज नेम को कैसे चेंज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ऐप के अंदर आ जाना होगा आपको, फिर जावा के अंदर आ जाना होगा। जावा के अंदर आने के बाद आपको कॉम पे आ जाना है, कॉम के आने के बाद फिर आपके जितने भी पैकेज नेम होंगे वो आपके शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसे हम ओपन कर देते हैं यहाँ पे आपको, चलिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ओपन कर दिया है, ये आपके पैकेज नेम शो हो चुके हैं आपके। चलिए आपको मैं फिर से एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पैकेज नेम है, और ये आपको मैनिफेस्टो में भी दिख रहे होंगे, ये आपके सेम पैकेज नेम है जो वहाँ पे शो हो रहे हैं। इन्हें आपको चलिए जूम करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली शो होता जाए। चलिए हम जूम कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पैकेज नेम आपको शो हो चुके होंगे। जूम करके भी आपको मैंने दिखा दिया और हाईलाइट करके भी मैंने आपको क्लियरली दिखा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैनिफेस्टो में भी आप चेक कर सकते हैं सेम पैकेज नेम होंगे, इन्हें आपको चेंज करना होगा। चेंज कैसे करेंगे चलिए आपको हम ये बता देते हैं। सबसे पहले हमें हाईलाइट्स को हटा देंगे और जो भी आपको पैकेज नेम चेंज करना होगा उस पर आ जाएंगे। जैसे कि चलिए हम सबसे ऊपर जो कोड के बाद जो पैकेज नेम से हम चेंज करना चाहते हैं तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे रिफैक्टर पे, रिफैक्टर के बाद रीनेम पे हम क्लिक कर देंगे। रीनेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा पैकेज नेम चेंज करने का, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा पैकेज नेम आपको शो हो रहा होगा या आपका ओल्ड पैकेज नेम होगा जिसे आपको चेंज करना होगा। चलिए आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया है, यहाँ से आपको अपना पैकेज नेम को फिल कर देना है, रिफैक्टर कर देना है, फिर यहाँ पे नीचे डू रिफैक्टर का ऑप्शन आएगा, डू रिफैक्टर कर देना होगा। यहाँ से आपका कंप्लीटली पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पैकेज नेमों को चेंज कर देना होगा। सेम प्रोसेस होगा पैकेज नेम चेंज करने का, जैसे अभी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिसके हम नीचे वाला पैकेज नेम भी चलिए चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आपको मैं पहले ही बता दिया पैकेज नेम कैसे चेंज होगा, जो भी आपको पैकेज नेम चेंज करना है उसे आपको फिल कर देना होगा। नीचे आपको रिफैक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे सबसे नीचे आपको डू रिफैक्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका कंप्लीटली पैकेज नेम चेंज हो जाएगा, आपको चारों के चारों पैकेज नेम को चेंज कर देना होगा। और चलिए एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ से आपको अपना मैनुअली पैकेज नेम को चेंज करना होगा। आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाना होगा, बिल्ड ग्रेडल में आ जाना होगा। यहाँ से आपको अगर पैकेज नेम चेंज नहीं होता है तो आपको यहाँ पे मैनुअली चेंज करना होगा।
चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको कहाँ पे आना है। आपको ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाएंगे, फिर बिल्ड ग्रेडल में आ जाएंगे। आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया है जिसके आप देख भी सकते हैं। चलिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मैंने जूम करके भी दिखा दिया है और हाईलाइट करके भी दिखा दिया है। और यहाँ से आपको सबसे पहले देख सकते हैं हमारा पैकेज नेम है, जो कि अगर आपका गलत शो हो रहा है तो आपको फिर से अपने मैनिफेस्टो में आ जाना होगा। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से हम डबल क्लिक कर देंगे मैनिफेस्टो में और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पैकेज नेम शो हो रहा है। यहाँ से हमसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से हम इसे कॉपी कर लेंगे, फिर से हम बिल्ड ग्रेडल में आ जाएंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ से हमारा कंप्लीटली पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। जिसके आप देखते हैं यहाँ से हमारा कंप्लीटली पैकेज नेम चेंज हो चुका है। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सबको क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए इन सबको क्लोज करने के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप का नेम कैसे चेंज करेंगे और अपनी ऐप के अंदर एडमोब के ऐड कैसे रिप्लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाएंगे, ऐप के अंदर आ जाना होगा, आरिस फोल्डर में आ जाना होगा, फिर stream.xml में आपको आ जाना होगा। चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सबसे पहले ऐप में आ जाना है, आरिस फोल्डर में आ जाना है, फिर आपको वैल्यूज में आ जाना होगा, फिर stream.xml में आ जाना होगा। चलिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए, और एरो करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आना होगा। चलिए सबसे पहले आप जूम करके दिखा देते हैं आपको, जिसके आप देख सकते हैं ऐप में आ जाना है, आरिस फोल्डर में आ जाना है, वैल्यूज में आ जाना है, फिर stream.xml में आपको आ जाना होगा। चलिए हम जूम आउट कर देते हैं और हाईलाइट्स को हटा देते हैं। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऐप नेम होगा, जिसे आपको अपनी ऐप का नेम फिल कर देना होगा। जो आप अपनी ऐप का नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो भी अपनी ऐप का नेम आप रखना चाहते हैं उसे फिल कर देना होगा। हम नीचे आ जाएंगे और इसके अंदर हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें और चेंज करनी होगी। जो आपको चेंज लग रहा हो इसमें चेंज करनी है वो आप चेंज कर दीजिए। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपको चेंज करने होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल एड ऐप आईडी, आप देख सकते हैं आपको यहाँ से अपनी गूगल एड ऐप आईडी को चेंज कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल ऐप आईडी है, उसे भी आपको यहाँ से रिप्लेस कर देना होगा। और भी अदर ऑप्शन है आपको चेक कर लेना होगा, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उन्हें आपको चेंज कर देना होगा। जिसके आप देखते हैं इन सबको आपको चेंज करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और देख लेंगे कि इसके अंदर आपको और कुछ तो चेंज नहीं करना है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से आपके एडमोब ऐप आईडी आपको शो हो जाएंगे, इन्हें भी आपको रिप्लेस कर देना होगा। जिसके आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपका एडमोब ऐप आईडी है, उसे यहाँ से रिप्लेस कर देना होगा। फिर आपकी बैनर आईडी आ जाएगी, बैनर आईडी को भी यहाँ पे आके आपको रिप्लेस कर देना होगा। फिर आपकी इंडस्ट्रियल आईडी आ जाएगी, उन्हें भी आपको रिप्लेस कर देना होगा। फिर आपकी नेटिव आईडी आ जाएगी, नेटिव आईडी को भी आपको यहाँ से रिप्लेस कर देना होगा। इन सबको अपने एडमोब अकाउंट में आपको ये मिल जाएंगी, वहां से आपको कॉपी करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस कर देना होगा। जिसके आप देखते चलिए इन सबको हम रिप्लेस करने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे इसके अंदर हमें और कुछ तो चेंज नहीं करना है। एक बार स्क्रॉल डाउन फिर से हम कर लेंगे और देख लेंगे कि इसके अंदर हमें और कुछ जो चेंज करना होगा वो आपको चेंज कर लेना होगा। यहाँ से हमने दिखा दिया अपना ऐप नेम हमने चेंज कर दिया, एडमोब के ऐड हमने चेंज कर दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं आपको अगर आपको कोई अदर चीज चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से चलिए हम रिक्वेस्ट टू ऑल क्लियर कर देते हैं। यहाँ से हमने रिक्वेस्ट टू ऑल क्लियर कर दिया है, जिसके आप देखते हैं यहाँ से हमारी सबमिट हो चुकी है, रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है हमारी। और चलिए इन सब को हम क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप के कलर कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना होगा, चलिए हम ऐप में आ जाएंगे, आरिस फोल्डर में आ जाएंगे, जिसके आप देख सकते हैं। फिर से आपको वैल्यूज में आ जाना होगा, चलिए हम वैल्यूज में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं color.xml का आपको एक ऑप्शन मिल चुका होगा, और नीचे आप देख सकते हैं नीचे आपको थीम का भी ऑप्शन मिल गया होगा, जिसे आपको क्लिक करके यहाँ से आपके कलर चेंज करने होंगे। जिसके आप देखते हैं यहाँ से आपको theme.xml भी मिल चुका है और color.xml भी मिल चुका है, इसमें आपको कलर चेंज करने होंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आपको मैं बता दूँ सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना होगा, फिर आरिस फोल्डर में आ जाना है, फिर आपको वैल्यूज में आ जाना है। वैल्यूज में आने के बाद आपको यहाँ पे color.xml का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आप, चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हाईलाइट करके भी दिखाता जा रहा हूँ। और नीचे आप देख सकते हैं थीम का भी ऑप्शन मिल चुका है, जहाँ पे आपको theme.xml का भी ऑप्शन मिल चुका है। जिसके आप देख सकते हैं नीचे आपका नाइट का भी है, इसमें आपके नाइट का भी आपको दिख जाएगा, मतलब डार्क भी मिल जाएंगे, डार्क कलर जिन्हें आपको चेंज कर सकते हैं डार्क कलर को भी। और जिसके आप देखते हैं stream.xml भी आपको मिल चुका है,
और सॉरी कलर डॉट एक्सएमएल भी मिल चुका है और थीम डॉट एक्सएमएल भी आपको मिल चुका है। यहीं से आपको सारे कलरों को चेंज करना होगा। कैसे करेंगे चलिए आपको हम ये बताते हैं। आपको जूम करके मैंने पहले ही दिखा दिया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आना होगा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे कलर डॉट एक्सएमएल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपके कलर के कलर शो हो जाएंगे जो भी आपके ऐप में यूज हुए हैं। चलिए इन्हें हम चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सारे कलर हैं, इनको आपको चेंज करना होगा। और कैसे करेंगे अगर आपको कोई स्पेशल कलर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको कोई स्पेशल कलर है तो यहाँ से उसका कोड भी फिल कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेशल कलर है तो। और चलिए आपको कलर जैसे चेंज करना होगा, कलर कैसे चेंज करेंगे चलिए आपको हम ये बताते हैं। जो भी आपको कलर चेंज करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है, कस्टम पे आ जाना होगा। और नीचे आप देख सकते हैं अगर आपको इस कलर को बनाना है तो यहाँ से कोई भी कलर बना के आप फिल कर सकते हैं, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, कोई सा भी कलर यहाँ से आप बना सकते हैं। अगर उससे आपको लाइट करना तो लाइट का भी ऑप्शन देख सकते हैं, लाइट भी हो जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कोड का ऑप्शन मिला, कोड भी फिल कर सकते हैं। और डिफॉल्ट कलर आपको शो रहे हैं, इन डिफॉल्ट कलरों से भी आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इनमें से आपको जो भी कलर आपको चेंज करना होगा यहाँ से आपको चेंज कर देना होगा, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो और सेम प्रोसेस होगा कलर चेंज करने का। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो भी कलर आपका कोई फेवरेट कलर है या फिर आपको वो कलर इसके अंदर नहीं मिल रहा है, आपको एग्जैक्ट कलर वो डालना है तो यहाँ पे उसका कोड भी फिल कर सकते हैं, आपका एग्जैक्ट कलर वही कलर आपकी ऐप के अंदर हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं आप थीम डॉट एक्सएमएल में। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने कलर डॉट एक्सएमएल में कलर चेंज किए थे वैसे ही आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जिसके आप देखते हैं आपको जो भी कलर आपको चेंज करना होगा उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ से हम कस्टम में आ जाएंगे फिर से, और जो भी आपको कलर बनाना है यहाँ से आप कलर बना सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेशल कलर है जिसके आपको मैं बता चुका था स्पेशल कलर, तो यहाँ पे उसका कोड भी फिल कर सकते हैं। और डिफॉल्ट कलर आपको चूज कर सकते हैं, अगर आपको डिफॉल्ट कलर में से कोई चूज करना है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। जिसके आप देखते हैं ऐसे ही आपको थीम डॉट एक्सएमएल में बता दिया मैंने कलर कैसे चेंज करना है, वैसे ही आप आ जाएंगे थीम डॉट एक्सएमएल नाइट में। यहाँ पे आपको सारे डार्क कलर मिलेंगे, इनको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डिफॉल्ट रहने देंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आपको मैंने बता दिया आप कलर कैसे चेंज करेंगे, इन सबको क्लोज कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे आप सीखेंगे कि आपको टेक्स्ट कलर को कैसे चेंज करना होगा। आपको सबसे पहले आ जाऊंगा अरेज फोल्डर में, आ जाएंगे कलर्स में आ जाना होगा। यहाँ से आपके टेक्स्ट कलर होंगे उनको भी आपको चेंज कर देना होगा। कैसे करेंगे जिसके आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जिस सेम प्रोसेस होगा जैसे आपने कलर डॉट एक्सएमएल में कलर चेंज किया है वैसे ही आप यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। जिसके आप देखते हैं यहाँ से आप हमने सिलेक्ट टॉप टेक्स्ट कलर आपके शो रहे हैं, इनको जो भी आप कलर रखना चाहते हैं वो कर देंगे। यहाँ से आपको कलर पर क्लिक कर देना है, कस्टम पे आ जाना होगा। और यहाँ से आपको जो भी कलर बनाना है यहाँ से आप बना सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेशल कलर है तो उसका कोड भी यहाँ पे फिल कर देंगे। और डिफॉल्ट कलर में से भी आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर लेंगे वही कलर आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपको तीनों में स्टेप बाय स्टेप सबको सिलेक्ट करके कलरों को चेंज कर देना होगा। जिसके आप देखते हैं यहाँ से आपके डार्क कलर आ चुके हैं और नीचे आप देखें यहाँ से आपके लाइट कलर आ चुका है। चलिए इसका सबको हम स्टेप बाय स्टेप सबको आप क्लोज कर देते हैं, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, इसे भी हम क्लोज कर देंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम सीखेंगे हमारी ऐप के अंदर जो लोगो होंगे या आइकन होंगे उन्हें हमें कैसे चेंज करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आ जाएंगे आरिस फोल्डर में आ जाएंगे। आरिस फोल्डर में आने के बाद हम आ जाएंगे लेआउट में। लेआउट में आने के बाद यहाँ से हम चेक कर लेंगे जो भी हमें जो हमारे ऐप के अंदर लोगो यूज हो रहे होंगे उन्हें हम कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको आना कहाँ कहाँ होगा। सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना, आरिस फोल्डर में आ जाना होगा, फिर आपको आरिस फोल्डर में आ जाना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से आपके सारी स्क्रीन मिल जाएंगी जो आपके ऐप के अंदर यूज हुई है। ये सारी की सारी स्क्रीन होंगी, इनको भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एक स्क्रीन को ओपन किया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ से आपका वीडियो का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से भी आप इनको भी जो कलर शो हो रहे थे कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इन सबको आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन करके देख लेना होगा, जो चाहे आप अगर आप इनके कलरों को चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज हो जाएंगे। और जैसे कि आप देखते हैं यहाँ से हम आ चुके हैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आ चुके हैं। यहाँ आपकी मेन एक्टिविटीज होगी, इसके अंदर जो आइकन आपको शो हो रहे हैं अगर आप चाहें तो इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको ड्राइवर फोल्डर में आ जाना होगा और नीचे हम आ जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन इन एक्सप्लोरर, इस पर हमें क्लिक कर देना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे ऐप के अंदर आइकन यूज हुए हैं इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे जो भी आपको आइकन इसकी जगह रिप्लेस करना होगा उसे पहले आपको बना लेना होगा। बनाने के बाद आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो भी आप आइकन बना रहे हो पहले जो ओल्ड आइकन है उसका आपका साइज देख लेना होगा, जो भी इसका साइज होगा वही साइज जो आपने बनाया उसका रखना होगा। और यहाँ पे जब आप रिप्लेस करेंगे तो उसका नेम और इसका जो आपने बनाया सेम नेम होना चाहिए, जब भी आपका यहाँ पे रिप्लेस होगा और इसमें कोई एरर नहीं आएगा।
चलिए इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप आप क्लोज कर देते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सबको चेक कर लेना होगा। चलिए इन सबको हम क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हमारी ऐप के अंदर आइकन, ऐप आइकन को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना होगा, जिसके आप देख सकते हैं। फिर आपको आरिस फोल्डर में आ जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिम मैप का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। इसके अंदर आपकी ऐप के आइकन होंगे, जो आपके फ्रंट में जो आपकी जो ऐप का लोगो होगा, वो सबसे मेन लोगो होगा, वो आपको चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, जिसके आपको बताया, तो सबसे पहले आपको आ जाना होगा मिम मैप पे, जिसके आप देख सकते हैं। आपको चलिए मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना होगा, ऐप के बाद आपको आरिस फोल्डर में आ जाना है, फिर आपको मिम मैप पे आ जाना होगा। चलिए आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। चलिए हम जूम कर देंगे, जिसके आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सबसे पहले आपको ऐप में आ जाना है, आरिस फोल्डर में आ जाना है, फिर मिम मैप पे आ जाना होगा। चलिए हम जूम आउट कर देते हैं और इन हाईलाइट्स को हटा देते हैं। आपको मिम मैप पे आ जाना होगा और मिम मैप पे आपको क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कर देना होगा। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे न्यू पे आ जाएंगे और इमेज एसेट पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका लोगो चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप देखते हैं आपको पाथ सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी आप इमेज बनाएंगे उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इमेज सिलेक्ट नहीं करना चाहते, यहाँ से आप देख सकते हैं क्लिप आर्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ से भी आपको बहुत सी आर्ट मिल जाएंगी। अगर आप लोगो लगाना नहीं चाहते तो इनमें से भी कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर आपको मल्टीपल लोगो मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें से भी आप जो भी आपके ऐप के अंदर एग्जिस्ट करता है उसे आपको चूज कर लेना होगा। जिसके आप देख सकते हैं मल्टीपल है यहाँ पे लोगो, आपको इनमें से आपको चूज कर लेना होगा। अगर आप ये भी नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो भी अपनी ऐप का टेक्स्ट में आपको क्लिक करने के बाद अपनी ऐप का लोगो के ऊपर अगर कोई नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी फिल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे अपनी ऐप का इमेज ही लगाएंगे, तो हम इमेज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं पाथ हमें सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम हाईलाइट करके आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ से हम पाथ सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ पे हमारा लोगो होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने क्लिक किया और हमारा डेस्कटॉप पे लोगो रखा हुआ है, तो चलिए हम डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हम सर्च कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट करना होगा हमें, ये हमारा लोगो हमें मिल चुका है, उसे हम ओके कर देंगे। यहाँ से हमारा लोगो आ चुका है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का ही लोगो ले लिया है, ये आपको सिर्फ मैं डेमो पर्पस के लिए दिखा रहा था, इसलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल का ही लोगो ले लिया है। आपको अपना लोगो पहले बना लेना होगा अच्छे तरीके से, फिर वही आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे अपने लोगो को। अगर आपका इन सर्कल के अंदर आपका लोगो परफेक्ट शो नहीं हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम सर्कल पे यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे अपने लोगो को। यहाँ से हम एडजस्ट, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एडजस्ट हो चुका है हमारा लोगो। यहाँ से हमने अपने लोगो को एडजस्ट कर लिया है, जिसके आप देख सकते हैं हमारा सर्कल में एकदम परफेक्ट आ रहा है। ऐसे ही आपको अपने लोगो को भी सिलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर आपका लास्ट में आ जाएगा फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना होगा। जिसके आपको मैंने हाईलाइट करके भी दिखा दिया, जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। फिनिश पे जैसे ही हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारा लोगो कम्प्लीटली लग चुका है हमारी ऐप के अंदर। चलिए इसे हम सबको आप क्लोज कर देते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे हम अपनी ऐप का एपीके कैसे जनरेट करेंगे। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बिल्ड का आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा और आपको मैंने हाईलाइट करके भी दिखा दिया। चलिए आपको मैं एरो करके भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली शो हो जाए। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आपको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, जिसके आप देख सकते हैं जूम करके भी आपको क्लियरली शो कर दिया है। आपको बिल्ड पे आ जाना होगा। चलिए हम हाईलाइट्स को हटा देते हैं और बिल्ड पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप बिल्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपका बिल्ड बंडल ऑब्लिक एपीके का ऑप्शन हो रहा, ये आपकी टेक्स्ट ऐप होगी। यहाँ से आप टेक्स्ट ऐप को जनरेट करने के बाद उसे चेक कर सकते हैं कि आपकी ऐप प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है तो आपको फिर आ जाना होगा जनरेट साइन ऐप बंडल पे ऑब्लिक एपीके, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ से भी आपके दो ऑप्शन आ जाएंगे, एंड्रॉइड ऐप बंडल और एपीके। एंड्रॉइड ऐप बंडल ये आपके एलिजिबल होगी प्ले स्टोर के लिए और एपीके आपकी अदर प्लेटफॉर्म के लिए भी एलिजिबल होती है। तो चलिए हम यहाँ से अपना एपीके ही जनरेट करेंगे, क्योंकि हम इसे प्ले स्टोर पे भी और अदर प्लेटफॉर्म पे भी इसे आसानी से पब्लिश कर सकें, इसलिए हम एपीके पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ से आपको अपना कीस्टोन पाथ क्रिएट करना होगा। यहाँ से आप चलिए आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं क्रिएट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको अपना कीस्टोन पाथ को क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देते हैं और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कीस्टोन पाथ की लोकेशन मांग रहा है कि आपको जो भी आपका कीस्टोन पाथ क्रिएट होगा वो आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो चलिए इसे हम क्लिक कर लेके और अच्छे सही से जगह पे सेफ जगह पे इसे हम रख लेंगे और कीस्टोन पाथ हमें
बताता हूँ आपको ये काम कब आएगा, जब आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे पब्लिश करने के बाद, जब आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं तो ये आपका जब काम आएगा, इसलिए आपको ये संभाल के रखना होगा। तो चलिए इसे हमने जहाँ हमारा सोर्स कोड है हमने वहीं पे इसे सिलेक्ट कर लिया है और वहीं पे उसी वही लोकेशन हमने सिलेक्ट कर ली है, जिसके आप देखते हैं यहाँ। चलिए हमने इसे ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारी लोकेशन ओके हो चुकी है, जो हमारा क्वेश्चन पाथ जहाँ पे क्रिएट होगा उसकी लोकेशन हमने सिलेक्ट कर ली है। और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ से आपका पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, और ये भी पासवर्ड आपको बताता हूँ आपको ये कब काम आएगा, जब आप ऐप को पब्लिश करने के बाद जब उसे अपडेट करेंगे, जब आपका क्वेश्चन पाथ और ये पासवर्ड आपका ये दोनों काम आएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन पाथ आपको संभाल के रखना होगा और आपको पासवर्ड अपना याद रखना होगा। अगर आप इसे भूल जाएंगे या मिस कर देंगे तो अपनी ऐप को फिर अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये दोनों चीज़ें संभाल के रखनी होगी। और नीचे आप देखते हैं आपकी वैलिडिटी आ जाएगी और सर्टिफिकेट की डिटेल आ जाएगी, आपको स्टेप बाय स्टेप सबको फुलफिल कर देना होगा। चलिए हम पासवर्ड फिल कर देते हैं, यहाँ से हम पासवर्ड फिल कर देंगे, दोनों जगह हम पासवर्ड फिल कर देंगे, जिसके आप देख सकते हैं। फिर आपका एलियास का ऑप्शन आ जाएगा नीचे, एलियास को आपको डिफॉल्ट ही रहने देना होगा। फिर से आपका पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सेम पासवर्ड फिर से फुलफिल कर देना होगा। चलिए यहाँ पे भी हम कंफर्म पासवर्ड भी फिल कर देते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से आपकी ऐप की वैलिडिटी आपको शो हो रही होगी, जहाँ पे 25 लिखा होगा, चलिए इसे हम 100 कर देते हैं। यहाँ से हमने 100 कर दिया है, और यहाँ से आपकी आप सर्टिफिकेट की डिटेल पूछेगा मांगेगा, तो आपको सारी डिटेल को फुलफिल कर देना होगा। जैसे हमने अपने नेम के अपना नेम लिख दिया है, फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, सिटी आ जाएगी, लोकेलिटी आ जाएगी, स्टेट आ जाएगी और कंट्री कोड आ जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सबको फुलफिल कर देना होगा। चलिए इसे हम भी फुलफिल कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। चलिए इसे हम यहाँ पे भी हम अपनी न्यू दिल्ली स्टेट ही फिल कर देंगे। और नीचे आप देख सकते हैं कंट्री का कोड पूछ रहा है, तो आपको कंट्री का कोड डाल देना होगा और फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सारी डिटेल को फिल कर दिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं पासवर्ड भी हमने फिल कर दिया है, और फिर से पासवर्ड मांगा तो वो भी हमने फिल कर दिया है, और सर्टिफिकेट की डिटेल थी वो भी हमने फिल कर दी है। नीचे आपका ओके का ऑप्शन आ चुका है, चलिए हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारी सारी डिटेल को इसने ले लिया है, कीस्टोन पाथ भी हमारा आ चुका है और उसकी लोकेशन आ चुकी है, जिसके आप देख सकते हैं, और कीस्टोन पाथ का जो पासवर्ड था वो भी हमारे यहाँ शो हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपकी एपीके की लोकेशन पूछेगा, तो जो भी आपकी एपीके की लोकेशन है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। और नीचे आप देख सकते हैं रिलीज का ऑप्शन आ रहा है, रिलीज पे आपको क्लिक करने के बाद फिनिश पे आपको क्लिक कर देना होगा, यहाँ से आपका एपीके जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एरर शो हो चुका है, तो चलिए हम अपने एपीके की लोकेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने अपने फोल्डर में ही फिर से कर दिया है, और यहाँ पे आपका रिलीज का ऑप्शन आ चुका है, रिलीज पे हम क्लिक कर देंगे। जिसके आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एपीके जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, ये आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो ये बहुत ही जल्दी जनरेट हो जाएगा आपका एपीके। और जिसके आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सोर्स कोड कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन होते अभी तक मैंने जितने भी फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करें वो आपको सारे मिल जाएंगे, जो कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, पासवर्ड आपको वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखना, वीडियो के अंदर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। जिसके आप देख सकते हैं हमारा एपीके जनरेट हो चुका है, ये इसे आप प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के बाद बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।